बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरजाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल किचन। मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच दखनी मिर्चें हैं, आधा चम्मच गरम मसाला है, दो चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ है, एक चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी का है, एक चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्चें हैं, दो कटी हुई प्याज है, तीन कटे हुए टमाटर है, आधा किलो भिंडी है, एक किलो चिकन है, एक पाव तेल है। ये देखें, हमें सबसे पहले ये कढ़ाई रख रही हूँ। अब एक पाव इसके अंदर तेल डाल ली हूँ। तेल को गर्म होने में 5 मिनट लगेंगे। इतना मैंने आधा डाला है, इसमें सबसे मिर्च भिंडी में फ्राई करके निकालूंगी। ये देखें, तेल गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं जो ये भिंडी रखी हुई है ना कटी हुई, ये सबसे पहले इसको फ्राई करूंगी। इसको 10 मिनट तक फ्राई करूंगी। ये देखें, इसमें मैंने भिंडी के अंदर नमक इस वजह से डाली जो भिंडी के अंदर अंदर इसके अंदर जब हो जाए भिंडी अंदर से फीकी फीकी नहीं लगे। ये देखें 10 मिनट हो गए। इस वजह से भिंडी को तेल में मैंने पहले फ्राई किया। भिंडी का तो एक लेस बना नहीं आता और भिंडी है ना गोश्त में जाके टूटती नहीं है, अभी मज़ेदार अच्छा अच्छा बनती है ये भिंडी और गोश्त। अब ये सारी भिंडी निकाल लूँगी, फिर इसी के अंदर मैं प्याज डालूँगी। ये देखें 10 मिनट हो गए, भिंडी मैंने निकाल ली है। अब इसको प्याज डालूँगी। मेरे पास जो पहले का तेल बचा हुआ था ये तेल डाल लेंगे। देखें, अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। पहले तो तेल गर्म है, अब 5 मिनट तक इसको हल्की हल्की नरम करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। इसी तरीके 5 मिनट तक चलाती रहूँगी। ये देखें 5 मिनट हो गए, हल्की हल्की सी नरम हो गई प्याज, अच्छी तरीके से हो गई नरम। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर रखें, ये डाल देंगे और इसको 10 मिनट तक गलाऊँगी टमाटर और प्याज। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको। हम इसके अंदर धुला हुआ जो चिकन रखा मेरे पास ये डाल देंगे। 15 मिनट तक इसी के अंदर मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से मैंने अपने टमाटर में प्याज में इसको अच्छी तरीके से मैंने मुर्गी को फ्राई कर लिया। मेरे पास ये रखा हुआ है अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, लाल पिसी मिर्चें, लाल कश्मीरी मिर्चें और दही पाउडर मिर्च। और इसको मैं अच्छी तरीके से 5 मिनट चलाती हूँ। 5 मिनट चलाने के बाद मैं पानी डालूँगी। अच्छी तरीके से चिकन में ना जब हो जाए। ये देखें 5 मिनट हो गए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स हो गई इसमें। हम इसके अंदर एक गिलास ये पानी डाल के चूल्हा स्लो करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन बंद करके। ये देखें, भिंडी गोश्त इतने मज़े का लगता है। ये देखें, हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे। दस मिनट के बाद खोलूँगी। ये देखें 15 मिनट हो गए। हम इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। ये देखें, ये चिकन गलने पे आ चुका है। ये देखें 10 मिनट हो गए, अच्छी तरीके से ये भुनाई पे आ गई है कि उसमें ना रोगन भी ऊपर आ गया। हम इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद 15 मिनट इसको पकने दूँगी, उसके बाद भिंडी डालूँगी। ये मैंने कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छी तरीके से उबाल भी आ गया। अब इसके अंदर भिंडी डालूंगी। भिंडी भी 10 मिनट लेगी, वो पहले तो गली हुई है ना, इस वजह से 10 मिनट और ले लेंगी गलने के लिए। भिंडी गोश्त तैयार।
ये 10 मिनट के लिए फिर बना। ये देखें भिंडी को 10 मिनट मैंने बताया था, इसको 15 मिनट हो गए बच्चे बच्चे। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको बाउल में खाली कर दूँगी। और ये देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला रखा ये मैंने डाला, और 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दूँगी, इसमें खुशबू अच्छी आ जाती है। और फिर इसको मैं बाउल में इसको खाली करूँगी। ये देखें 5 मिनट हो गए चुके हैं, और इसमें मैंने जो गरम मसाला डाला था अभी देखें मैं बाउल में निकाली हूँ। भिंडी बिल्कुल तलने के बाद टूटती नहीं है, साबुत ही रहती है। देखें ये देखें ये देखें मैंने भिंडी गोश्त निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भिंडी गोश्त बनके तैयार हो चुका है।